हेलो माय डी स्टूडेंट्स, आपका पुनः आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा नौवीं गणित के प्रश्न बैंक का हम ब्रिज कोर्स का हम लास्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसमें आपके जो भी प्रश्न बचे हुए थे हम पूरे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न 27 तक हमने हल कर चुका था। यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न 28 से लेकर प्रश्न 35 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आपसे एक विनती के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको सब समझ में आ सके। चले अब हम वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न 28 हमारा क्या है, भिन्न 1/2 3/4 2/3 को आरोही क्रम में लिखो, है ना। इससे पहले मैंने आपको बताया था आरोही क्रम क्या होता है। तो देखिए एक बार समझ लीजिए आप, आरोही क्रम अर्थात होता है बढ़ता हुआ क्रम, अर्थात इसमें जो संख्या है वह बढ़ते जाती है, है ना। सबसे पहले हम छोटी संख्या लिखते हैं, फिर उससे बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर सबसे बड़ी संख्या लिखते है। तो देखिए हमें संख्या क्या क्या दी गई है, 1/2 दी गई है, है ना, 3/4 दी गई है और 2/3 दी गई है। तो देखिएगा आप यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, है ना। तो देखिएगा आप यहाँ पर 1/2, है ना, जब हम 1 में 2 का भाग दे देते हैं तो आंसर कितना आता है, 0.5 यहाँ पर आंसर आता है। और जब आप 3/4 का भाग दे देते हो तो आंसर कितना आता है, आंसर आता है 0.75 आता है। और जब आप 2/3 का भाग देते हो तो आंसर कितना आता है, 0.6 आंसर आता है। तो अब आप बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए इनमें सबसे छोटी, है ना, सबसे पहले तो हम लिख देंगे आरोही क्रम में लिखने पर, है ना, क्या लिख देंगे हम, आरोही क्रम में लिखने पर। तो देखिए हम आरोही क्रम में लिखते हैं अर्थात हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो अब आप मुझे बताइए यहां पर सबसे छोटी संख्या क्या है, 0.5 यहां पर सबसे छोटी संख्या है। और 0.50 किसके अंतर्गत आती है, यहाँ पर 1/2 के अंतर्गत आती है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या हमने लिख दिया 1/2, फिर हमें उससे बड़ी संख्या लिखना है ना। तो देखिए उससे बड़ी संख्या फिर क्या होगी, देखिए 0.50 के बाद उससे बड़ी संख्या क्या है, 0.60 है। और 0.60 का मान कितना है, 2/3 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2/3 हम यहाँ पर आंसर लिख देंगे। अब सबसे बड़ी संख्या क्या है, 0.75 है, तो हमें इसके बाद इसका आंसर लिख देंगे 3/4। तो कुछ इस प्रकार से आपको हल करना पड़ता है। चलिए अब हम प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए छात्रों यहाँ पर आपको प्रश्न 29 में आपको दिए गए हैं, दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको दो दो चित्र दिए गए हैं, इनके आपको परिमाप बताना है, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको सारी भुजा के यहाँ पर, है ना, माप भी दिए गए हैं, तो आपको इनके परिमाप बताना है। तो अब देखिए हम पहली जो चित्र है हम उसको परिमाप निकालते हैं, है ना। तो परिमाप का अर्थ समझिएगा सारी भुजाओं के माप का योग, है ना, सारी भुजाओं के माप का योग क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो देखिए हम इन सारी भुजाओं को जोड़ देंगे, हम इन सारी भुजाओं का योग कर देंगे। तो देखिए कौन कौन सी भुजा है, पहली भुजा है 8 सेंटीमीटर की, दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर की, तीसरी भुजा है 4 सेंटीमीटर की और चौथी भुजा है 4.5 सेंटीमीटर की। तो हमने इन चारों भुजाओं का योग कर दिया है, तो आप इन सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर कितना आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पर 0.5 है, तो सबसे पहले हम 0.5 को यहाँ पर 5 लगा देते हैं। सबसे दाएं तरफ क्या 0.5 है, तो हम यहाँ पर लगा दिए 0.5। अब इन सभी को जोड़ दीजिए, 4 और 4 यहाँ पर 8 हो गया, 8 और 5 हो गया 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 21.5 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, है ना। अच्छा, है ना, तो 13, है ना, तो 21.5 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए सेकंड का हम परिमाप निकालते हैं, है ना, सेकंड चित्र का हम परिमाप निकालते हैं। इसमें भी आप सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, हम सारी भुजा लिख देते हैं, 5 सेंटीमीटर धन 5 सेंटीमीटर धन 3 सेंटीमीटर धन 7 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर।
अब इन सभी भुजाओं का आप योग कर दीजिए। तो देखिए योग करेंगे हम, 5 और 5 होता है 10, 10 और 3 होता है 13, 13 और 7 होता है 20, 20 और 4 होता है 24। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर आप, अब यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर आपको, यहाँ पर भी आपको दिएगा चित्र का आपको परिमाप निकालना है। पहली जो चित्र है वह आयत का चित्र है, दूसरी जो चित्र है वह वर्ग का चित्र है। वर्ग आयत की विशेषता क्या होती है, आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। या मान के चलिए यहाँ पर 9 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने भी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर की भुजा होगी। चौड़ाई में यदि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की भुजा है, तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की भुजा होगी। और वर्ग की खासियत क्या होती है, चारों भुजाओं का योग एक समान होता है, नहीं चारों जो भुजाएं होती है वे एक सी लंबाई की होती है, एक सी माप की होती है। ये भी 6 सेंटीमीटर की, तो ये भी 6 की होगी, ये भी 6 की होगी और ये भी 6 की होगी। तो देखिए हमें परिमाप निकालना है, तो हमें करना क्या पड़ेगा, चारों भुजाओं का योग कर देना पड़ेगा। तो देखिए सबसे शुरू में पहले जो चित्र है, पहला चित्र क्या का है, आयत का चित्र है। तो देखिए हम सबसे पहले आयत का परिमाप निकालते हैं। आयत का परिमाप है ना, आयत का परिमाप बराबर से हम सारी भुजाओं को जोड़ देंगे कि कौन कौन सी भुजा है, 9 कितने कितने सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर धन 5 धन 5 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए। 9 9 18 हो गया, 18 और 5 23 हो गया, 23 और 5 कितना हो गया, 28 हो गया। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। सेकंड चित्र है हमारा वर्ग चित्र, तो देखिए हम वर्ग का परिमाप निकाल देंगे। वर्ग का परिमाप बराबर से बस सिंपल से जोड़ दीजिए आप, 6 6 6 6 सेंटीमीटर। तो देखिए 6 दूनी 12 12 और 3 6 दूनी 12 12 3 18 ना नहीं सुनो सॉरी सॉरी 6 दूनी 12 6 3 18 6 24। यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो बस इतने सिंपली सवाल है, आपको सिंपली से इस प्रकार से आपको हल करते आना है। अब देखिए प्रश्न 31 पर सवाल क्या है, दी गई आकृति की 3/4 भाग को छायांकित कीजिए। यहाँ पर देखिए आपको एक वर्ग का चित्र दिख रहा होगा, यहाँ पर डब्बे खींचे गए हैं। ये जो आपको आकृति दी गई है, इसमें आपको है ना 4 खाँचे दिए गए हैं, 1 2 3 4, 4 में से आपको तीसरे भाग को आपको छायांकित या फिर रेखांकित करना है। चलिए अब हम इसे रेखांकित कर देते हैं। तो देखिए हमने कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 4 में से 3 भाग को हमने यहाँ पर रेखांकित कर दिया है। आप भी कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रश्न दिया हुआ आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 32वां हमारा क्वेश्चन है, 32वां क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए, है ना। संख्या रेखा मैंने आपको बताया था, इससे बहुत फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था ना, सेकेंड वीडियो में आपको बताया था संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा पर संख्या प्रदर्शित होती है ना, इसलिए हम इसे संख्या रेखा करते हैं, है ना। सबसे शुरू में शून्य का चिन्ह होता है, शून्य के दाएं तरफ वाली जो संख्या होती है धनात्मक संख्या होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5, और शून्य के बाएं तरफ वाली जो संख्या होती है वे ऋणात्मक संख्या होती है, 1 1 2 3 4 5, है ना। इधर जाने पर जो संख्या है उसका मान बढ़ जाता है, और इधर जाने पर संख्या का मान घटते जाता है। तो इस प्रकार जो संख्या रेखा होती है वो कुछ इस प्रकार से काम करती है। तो देखिए हमें संख्या रेखा पर इनका मान दर्शाना है। तो देखिए पहला सवाल हमको क्या दिया है, ऋण 3 और 6 ऋण 3 धन 6। तो देखिए आप हल करिए इसको, आप इन्हें हल करिए, है ना। ऋण 3 धन 6 6 में 3 का कितना आएगा, आंसर 3 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपल इसको ऐसा ले जाना है, इसको यहाँ पर ले जाना है, और इसका जो एरो है इसकी तरफ कर देना है, ये इसका मान निकल कर 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से 5 और 3 कितना होता है, 8 होता है। तो देखिए यहाँ पर 8 लिख दिया हमने, इसको आपको सिंपली से ऐसा ले जाना है, और यहाँ पर जो आपको 8 दिख रहा है, 8 पर आपको इसको ऐसे कर देना है ना। तो उम्मीद आ सकते हो समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम पढ़ते हैं 34वां प्रश्न की तरफ। 34वां क्या है, 505 को 5 से भाग दीजिए। देखिए 505 को हमें 5 से भाग देना है, है ना। सबसे पहली संख्या लेते हैं हम 5, 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 5 1 5 होता है, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर ले लेंगे हम 0, 0 में 5 का भाग नहीं जाता तो हम यहाँ पर लगा देंगे 0। अगले संख्या में ले लेंगे 5, 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 5 से आगे नहीं बढ़े, तो 5 1 5 हो जाता है। तो देखिए 5, 5 में से 5 गया 0, 0 0 आ गया आंसर, और भागफल कितना आ गया, 101 यहाँ पर आंसर आ गया।
अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिज कोर्स प्रश्न बैंक ब्रिज कोर्स का लास्ट 35वां क्वेश्चन क्या है। निम्न को संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए योग ज्ञात कीजिए, है ना। यहाँ पर आपको निम्न संख्या दी गई, इनका योग आपको संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए आपको ज्ञात करना है। तो देखिए 5 धन कोष्टक में दिया है ऋण 11। तो देखिए सबसे शुरू में तो आप इन संख्याओं को दर्शा देंगे संख्या रेखा पर। तो देखिए पहला क्या है, 5 0 से लेकर 5 तक आपने, है ना, 0 से लेकर आपने 5 तक यहाँ पर ले गए, है ना, ये है ना। और फिर ऋण 11, फिर आपने 0 से लेकर यहाँ तक, यहाँ ऋण 11 तक ले गए। और देखिए 5 और ऋण 11, है ना, जब 11 में 5 घटता है तो आंसर कितना आता है 6, तो ऋण का 6 आंसर आएगा। तो यहाँ पर आप ऋण 6 तरफ दर्शा सकते है। और देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से ऋण 2 धन 8 धन ऋण 4, देखिए ऋण 4 और ऋण 2 कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण जुड़ जाता है ना, जब ऋण और ऋण आपस में मिलता है तो जुड़ जाता है, 4 और 2 कितना हो गया 6। लेकिन बड़ी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह तो हमने क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे ऋण का 6 धन, यहाँ पर कितना बचा 8 बचा है, 8 में से 6 गया तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह तो हम धन का चिन्ह लगा देंगे, या फिर आप धन को छोड़ भी सकते है। तो देखिए 2 आ गया, तो देखिए आपको कुछ इस प्रकार से दर्शा देना है 0 से लेकर कितना ऋण 2 तक, और फिर देखिए 0 से लेकर यहाँ पर आपको 8 तक दर्शाना है। फिर देखिए यहाँ पर आपको 0 से लेकर कुछ इस प्रकार से आपको ऋण 4 तक दर्शा देना है, और आंसर कितना आ गया 2 आया है। तो यहाँ पर आप 2 को बिंदु द्वारा दर्शा सकते है। तो इस प्रकार से आपको कुछ सारे प्रश्नों को सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। यदि आप समझ में आया वीडियो लाइक कर देना। मिलते हैं आपको नए वीडियो, तो जय हिंद जय भारत।